अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग के दशक में आपको खुश आमदी। नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल्कदीर ख़ान इस वक्त हम में नहीं रहे। मोहसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पाकिस्तान बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल्कदीर ख़ान जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं और गुज़िश्ता रोज़ उनका जनाजा भी हो गया। लेकिन उनके जो जहाँ बहुत सारे अच्छे काम हैं और वो हमेशा याद रखे जाएंगे, वहीं जाते जाते उन्होंने एक पिटीशन जो है वो तैयार करवाई थी जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर वकील वकास मलिक साहब हैं। इन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो पिटीशन डॉक्टर कदीर ख़ान की दायर की। डॉक्टर कदीर ख़ान को जिस वक्त वो बिस्तर मर्ग पे थे और उनकी हालत जो है वो तश्वीशनाक थी, वो उस वक्त भी उनको जो यंग डॉक्टर्स जिनका यहाँ पर इस्तेहसाल हो रहा है और वो गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं, कभी सड़कें ब्लॉक करते हैं, कभी क्या करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के मुख्तलिफ जो है वो उन्होंने तरीके जो है वो अपनाए, लेकिन जो हुकूमत है वो टस से मस नहीं हुई। इस पर जो डॉक्टर कदीर ख़ान हैं, उन्होंने अपनी वफात से दो रोज़ कबल वकास मलिक साहब जो हैं एडवोकेट, इनसे जो है वो इनको बाकायदा तौर पर इंगेज किया। और इस वक्त जो मेरे पास ये पिटीशन है ये लिखा हुआ है, इसका टाइटल डॉक्टर ए क्यू खान, और इसमें पिटीशन में ये डॉक्टर कदीर ख़ान जो है उनका ये पिटीशनर के तौर पे नाम है, और उसके बाद फिर यहाँ पर साइन भी है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के। तो यानी ये वो साइन है जो कि शायद डॉक्टर साहब ने जो है उनके आखिरी सिग्नेचर्स थे। तो मलिक साहब, ये बताइए कि डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात हुई, वो क्या चाह रहे थे कि यंग डॉक्टर्स का मसला कैसे हल होना चाहिए और पिटीशन में आपने क्या लिखा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असद मलिक साहब आपका और ये इशू टेकअप करने का। डॉक्टर साहब जो थे वो उन्होंने मुझसे कंसल्ट कर रहे थे कुछ दिनों से इससे अपनी वफात से कबल, और उन्होंने पहले अपने हैंड रिटन नोट्स और अपने जो मौकफ था वो शेयर किया मेरे साथ कि वो एक पिटीशन करना चाहते थे कि ये जो डॉक्टर्स का इशू चल रहा है और जिसके ऊपर जिस तरीके से इनको हैंडल किया जा रहा है, डॉक्टर साहब का मौकफ ये था कि एक अगर निज़ाम ठीक चल रहा है और एक आपका मेरिट पे सिस्टम चल रहा है और मेरिट पे एडमिशन हो रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोगों से ये नाजायज़ बच्चों से पैसे क्यों वसूल कर रहे हैं? फिर इनको एक एग्नी का शिकार किया हुआ आप लोगों ने कि आप लोग इनसे फिर दोबारा मार्किंग करते हैं उनकी और दोबारा उसके अंदर नंबर लगते हैं, हर दफ़ा 6,000 रुपया वो जमा कराते हैं। तो उनकी जो तहरीर के मुताबिक था कि वो कहते थे 75 करोड़ रुपया इस टेस्ट की मद में वो लोग इकट्ठे कर चुके हैं अभी तक। तो ये जो था उनका कहने का मकसद ये था कि ये चीज़ें मेरिट पे होनी चाहिए और ये जो अदारे हैं मेडिकल के और जो इस किस्म के अदारे हैं, इनका मकसद ये होता है कि आप क्रीम ऑफ द नेशन को ऊपर लेके आए, ना कि उन तलबा को लेके आ जाए जो मेरिट पे पूरे नहीं उतरते और वो पैसे के बलबूते पे और किसी और ज़राए से अपने मामलात कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब जो है, जब मेरी मुलाकात हुई, मैं आपको आपने फरमाया बिस्तर मर्क, तो मेरे व्यूज़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। डॉक्टर साहब बड़े हशाश पशाश मूड में, मेरे पास क्लिपिंग्स भी हैं जो मैंने शेयर की उसके अंदर, और बड़े ही उन्होंने मुझे काफ़ी एग्जॉस्टिव टाइम दिया, मोर देन 1 आवर उनसे मुलाकात रही, पिटीशन पढ़ी, चाय पिलाई उन्होंने, कॉफ़ी पिलाई, और उन्होंने अपना सवान हयात बयान किया और ये निज़ाम जो है सारा ये जो है, और मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी कि डॉक्टर साहब अल्लाह की तरफ से ही कुछ इस तरह वो शेयर कर रहे थे अपने मामलात और अपनी चीज़ें जो सुनने के लिए दिल कर रहा था कि हम सुनते चले गए। तो डॉक्टर साहब बड़े कंसर्न थे और जो सबसे बड़ी उसमें अल्लाह ने जो सिफ्त डाली थी बीमार पाकिस्तान, और या तो कायद अजम ने मुल्क बनाया है, और मेरा कहना यह है कि बानी पाकिस्तान का जो तख्लीक तो कायद अजम की थी, लेकिन जो तामीर है वो जो है वो डॉक्टर कदीर खान महफूज उन्होंने कि अगर कोई पाकिस्तान बनाने के बाद कोई सबसे बड़ा रिमार्केबल काम था या कोई शख्सियत थी तो वो डॉक्टर कदीर खान की थी। तो 2004 से वो अपनी जो जो उनके साथ जो नारावा सलूक किया था उसके ऊपर काफ़ी वो थे, वो नाना भी थे, और इट वाज अ वेरी प्लेजेंट मीटिंग। मैं किसी बीमार या ज़ईफ शख्स से नहीं मिल के आया था, मैं एक डॉक्टर प्रॉपर डॉक्टर साहब पूरा प्रॉपर पूरी अटेंशन के साथ पूरी उन्होंने अपनी जिस तरह होता है एक नॉर्मल आदमी गुफ्तगू करता है,
और बच्चों की शादी के हवाले से, मस्जिदों की तामीर के हवाले से, उनके लातादाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, जो लोग उनको फोने करते थे कि जी क्या करते, वो कहते थे जी इतनी किसी की शादी है इतने आप चावल की बोरियां दे दें, किसी को कहते थे वो मस्जिद को मैं बनवाई थी जब मैं उस वक्त था फलानी जगह पे, तो एक मैंने मस्जिद तामीर की थी उसकी क्या हालात है, उन्हें कहा जी उनकी वो उसको दोबारा तामीर नो कर दें, मतलब रेनोवेशन कर दें। डॉक्टर साहब एक दर्द दिल रखने वाले इंसान थे और वो चाहते थे कि वो नेशनल इशूज़ में और लोगों के मामला में प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करें, उनको पाबंद ना किया जाए किसी भी सूरत में। अच्छा मलिक साहब, आपने से उन्होंने लीगल इश्यूज भी डिस्कस किए होंगे, तो ये जो पिटीशन थी इसमें जो डॉक्टर साहब की जो है वो पिटिशनर बने हैं, तो आपने उन्होंने आपसे पूछा और आपने उन्हें क्या बताया कि आपका क्या हक दावा जिसको लोकस स्टैंडाई कहते हैं कि वो क्या रेलेवेंस बनेगी कि जिसकी बिना पर वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। देखिए जी वो तो सीधी सीधी बात है कि वो तो न्यूक्लियर स्टेट बनाने वाले हैं, और जब आपका इमेज पाकिस्तान का डिस्टॉर्ट होता है पूरी दुनिया में, जब डंडे पड़ते हैं क्रीम ऑफ द नेशन को, तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी का जो इस्तेकाक है मजरूह होता है। और फिर एक ऐसे आप कवानीन क्यों आप इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर एक अदारा दुरुस्त समत में जा रहा है तो आप उसके अंदर एक पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए डाल दें। ही वॉज इनफैक्ट वरीड अबाउट कि जो हमारी जो अपकमिंग क्रीम ऑफ द नेशन है, जो मुल्क में हम जो बच्चे जो मेरिट पे आ रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान आगे चल के बनाना है, तो वो अगर आप इदारों को तबाह करना शुरू कर देंगे और मेरिट से अलावा लोग आने शुरू हो जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। इसमें तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी मुतासर होगा, इससे हर पाकिस्तानी इलाज के लिए जाता है, हर पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ा दायरा है हमारा मेडिकल का। अब बतदरीज अगर आप सारे इदारों की तंजली की तरफ चलना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है हर शख्स का इसमें वो इस्तेहकाक मजबूत होता है। मैं खुद, मेरा पास चलेगा तो मैं भी उनके साथ सॉलिडेरिटी के लिए बार मैं कोर्ट में भी खड़ा हूँ, मैं उसके बाद भी खड़ा हूँ, और आज भी पिटीशन हम दायर कर रहे हैं। आई एम माई सेल्फ नाउ पिटीशनर इन दिस केस, क्योंकि डॉक्टर साहब के इस आखिरी ख्वाहिश को, इसको शर्मिंदा ताबीर हमने करना है, और उनकी आखिरी हम बल्कि वसीयत ये समझते हैं कि ही वॉज बॉर्न फॉर द नेशन, और पाकिस्तान के यूथ की फिक्र में वो बेचारे चले गए, और आखिरी पिटीशन भी हमारी यूथ के लिए की उन्होंने। तो वी स्टैंड बाय आवर यूथ, और इंशाल्लाह हम डॉक्टरों के उसके के लिए बाकायदा आवाज़ बुलंद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया वकास मलिक साहब। वकास मलिक साहब जो हैं इन्होंने डॉक्टर साहब चूँकि खालिक़ हकीकी से जा मिले, पिटिशनर जो है वो उन्होंने साइन की थी और उस पर दरख्वास्त गुजार भी वो थे, और काफ़ी इनके साथ सीरीज ऑफ मीटिंग जो हैं वो अपनी वफात से कबल वकास मलिक साहब के साथ डॉक्टर साहब की हुई थी। और अगर इस पिटिशन को इस तरह से छोड़ दिया जाता उनकी वफात के बाद, तो ये बिलाशुबा डॉक्टर कदीर खान जो है उनके साथ एक अहद शिकनी होती। तो इसमें फिर जो वकास मलिक साहब हैं उन्होंने जो पिटिशनर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो हैं उनके साथ अपना नाम भी ऐड किया, और ये इन्होंने पिटिशन फाइल की है, और ये अब इसकी समाअत होगी और अदालत में जो है वो इस मसले का कोई हल निकलेगा। और जो डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, वो भी डॉक्टर साहब के लिए जो है वो दुआगो होंगे, और जो इनके साथ फिर जो इनका ये इलाज मुआवजा करेंगे तो इन सब का सवाब जो है वो डॉक्टर साहब को पहुंचेगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।